अभी जी मैं आया हुआ हूँ बच्चों को लेके यहाँ पे वली टिक्का एंड फैमिली रेस्टोरेंट पे। ये ठोकर के बिल्कुल पास ही है और आज इनके जो मेन्यू है, मेन्यू में बीफ कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, बलोची सजी है, ये चेक करेंगे कि कैसे इनका क्या टेस्ट है। बच्चों को प्यास लगी हुई है और अभी एक को तो अभी पानी दिया है ठंडा, वो पानी पी रहा है, मज़े से एंजॉय कर रहा है। बाहर हवा भी चली हुई है और अभी मैं जा के देखता हूँ कि इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और फिर ऑर्डर करते हैं। इसमें टमाटर डालें और हरी मिर्च है डालें। ये बन रही है शलवारी कढ़ाई और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये वली टिक्का एंड फैमिली रेस्टोरेंट पे और देखते हैं कि कैसे ये कढ़ाई बनती है शलवारी। और मसाले में क्या क्या डाल रहे हैं? अच्छा ये कीमत है, ठीक है ठीक है, चिकन कीमत तैयार हो रहा है जी यहाँ पर। नहीं जनाब, कढ़ाई हो गई है तैयार। ये है चिकन शनवारी कढ़ाई और वली टिक्का पे मैं मौजूद हूँ और ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, स्पाइसी और मज़े की। और जब ये फुल डन हो जाएगी उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये दही गई इसमें और ये दही डालेंगे, उसके बाद फिर जो है दूसरे मसाले जो डलते हैं। आग चेक करें, आग कैसे पकड़ रही है, ये मसाले आग पकड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। वीडियो बनाने का बड़ा मज़ा आ रहा है। जी तो ये चिकन शनवारी
कढ़ाई जो है ये हो गई है तैयार। अभी ये मसाले डाल रहे हैं भाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वली टिक्का एंड फैमिली रेस्टोरेंट पे, जो के मौजूद जो के लोकेटेड है जनाब ठोकर नियाज बेग कज़लबाज चौक के पास, ये रावन रोड के पास है। अभी लग रहे हैं मज़े से जो है मसाले वाले चटपटे से ज़बरदस्त से टिक्के, और उसका भी ऑर्डर दिया था। तो ये देखें, ये बाहर ये रोड है, ये रोड रावन रोड कहलाता है और मेन ठोकर है, और ऊपर से जो ऑरेंज लाइन जो है उसका ट्रैक गुज़र रहा है, और ये साथ ही उसके रेस्टोरेंट है। ये जी चिकन शनवारी, और ये कबाब, इसका मैंने ऑर्डर दिया था। ये शक्ल से तो बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज लग रही है, ये टेस्ट करके बताऊँ। खाना हमने खा लिया है रात का, और टेस्ट के बारे में बताऊँ तो टेस्ट बस ठीक था, नॉर्मल था, इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, मतलब ठीक था। अभी हम आए हैं, ज़रा मीठा खाने का प्रोग्राम बना है, तो भाई से पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ है। ये अल रियाज मिल्क प्रोडक्ट्स, अब इनके पास जो है खीर, रस मलाई और कुल्फी है। आप एक कुल्फी खानी है, एक दो तीन तीन चार कुल्फियाँ कर दें, कितने वाली? 50-50 वाली कर दें। जी तो दोस्तों, खाना हमने खा लिया है यहाँ से, और कुल्फ़ी भी बच्चों को खिला दी है, और अभी टाइम हुआ है घर वापस जाने का। अभी मैं घर वापस जाऊँगा, बच्चों को ड्रॉप करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।